पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी वेव बिल पर मध्य प्रदेश से कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि शासन को प्रशासन को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं रुकें। ये स्वागत योग्य कदम है। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और झूठे एक दूसरे के पर्याय हैं। 2017 में कानून जरूर आया था लेकिन मध्य प्रदेश में 17 वेव हर दिन होते हैं। डेटा बताता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों और दलितों के साथ रेप होते हैं। बात यह है कि रेप के जितने भी केस होते हैं वो आर्यू के लिए नहीं होते हैं, पक्ष विपक्ष के लिए नहीं होते हैं, वो सब पूरे सर्व समाज और पूरे देश के लिए होते हैं। हमारी बेटियों की असमत लूटी जा रही है और देश की राष्ट्रपति ने इस पर चिंता जाहिर की। इसका मतलब नया भारत है नरेंद्र मोदी जी का। जहां तक प्रश्न है बिल का, जरूर प्रशासन ने, शासन ने, सरकार ने नए नए ऐसे आयाम करना चाहिए जिससे बहनों की असमत रुके, इस तरह की घटनाएं रुके। मैं मानता हूं इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ये सामूहिक सार्वजनिक एक प्रयास ही हो सकता है और उसको लेकर सबको एकजुट रहना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान और झूठ एक दूसरे के पर्याय है हमेशा। जरूर ये 17 में कानून आया था पर उसके बाद भी 17 रेप हर दिन होते हैं मध्य प्रदेश में, ये जरूर आया था। NCERB के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी और दलितों पर रेप के केस होते हैं तो देश में नंबर वन है हम। ये शिवराज सिंह चौहान साहब ये नहीं बता पाते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध, अत्याचार, अनाचार, मारपीट, उनकी सार्वजनिक पिटाई, सार्वजनिक रेप, ये भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होते हैं। जरा